हेलो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये जो मैं वीडियो लेके आ रहा हूँ, इससे पहले वीडियो मैंने बनाई थी हिमांक बनवन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन तथा हिमांक बनवन के जो डेरिवेशन है उससे लेकर के आ रहा हूँ, उसके न्यूमेरिकल भी कराऊंगा। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा वॉच करना, ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से क्लास 12 के लिए और अदर एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम हिमांक बनवन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पढ़ने से पहले हम हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट पर डिस्कस करते हैं। ये हिमांक का बनवन जो है वो तीसरा अर्धसंघ उर्दन था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी थी, थर्ड टाइप की। पहली हमने वास्तुदाब का अपेक्ष का बनवन पढ़ा, दूसरी बार हमने क्वथनांक उन्नयन पढ़ लिया, उसके बाद हम हिमांक का बनवन पढ़ेंगे फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, जिसको डेल्टा टी एफ से व्यक्त करते हैं। अब हम सबसे पहले इसमें हिमांक के बारे में जानकारी लेते हैं। किसके बारे में, हिमांक। हिमांक फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, किसी द्रव का वह निश्चित तापक्रम जिस पर साम्यावस्था में उस द्रव का वाष्पदाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर होता है। ठीक है, किसी द्रव का वह निश्चित तापक्रम जिस पर साम्यावस्था में उस द्रव का वाष्पदाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्पदाब के बराबर हो जाता है। मतलब साम्यावस्था में उस द्रव का जो वाष्पदाब है वो वाष्पदाब उसकी ठोस अवस्था अर्थात बर्फ के वाष्पदाब के बराबर हो जाता है। तो वो ताप जिस पर ऐसा हो जाए कि उस द्रव का वाष्पदाब उसकी ठोस अवस्था अर्थात बर्फ के वाष्पदाब के बराबर हो जाए तो उसे हिमांक कहेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल, जल का 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमना हो जाता है और जल 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जम करके बर्फ बना देता है, तो ऐसी स्थिति में जल का वाष्पदाब उसकी ठोस अवस्था बर्फ के वाष्पदाब के बराबर हो जाता है। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड उसका हिमांक हो गया, क्या हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। लेकिन जल में अगर हम कुछ मिला देंगे, नमक मिला दें या शक्कर मिला दें, तो जो विलयन बनेगा वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कुछ कम ताप पर जम जाएगा, अर्थात तो उसका हिमांक कम हो जाएगा, हिमांक अवनमन हो जाएगा, हिमांक घट जाएगा। ठीक है, हिमांक में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी, तो इसको कहेंगे हिमांक अवनमन, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। विलायक की तुलना में विलयन के हिमांक में, विलायक की तुलना में विलयन के हिमांक में जो कमी होती है उसे हिमांक अवनमन कहते हैं। हमेशा विलायक की तुलना में विलयन का हिमांक कम होता है, क्योंकि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि विलायक की तुलना में विलयन के लिए कुछ कम ताप पर वाष्पदाब उसकी ठोस अवस्था अर्थात जो ठोस अवस्था बर्फ है उसके वाष्पदाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, इसलिए हिमांक अवनमन का सूत्र क्या आएगा कि विलायक का हिमांक ज्यादा होता है और विलयन का हिमांक कम होता है, तो उसमें से जो अंतर आएगा विलायक के हिमांक में से विलयन के हिमांक को घटा देंगे तो ये क्या आएगा, हिमांक का वर्णन डेल्टा टी एफ बराबर विलायक का हिमांक माइनस विलयन का हिमांक। विलायक के हिमांक को टी एफ नॉट से व्यक्त करते हैं, विलयन के हिमांक को टी एफ से व्यक्त करते हैं, तो डेल्टा टी एफ बराबर टी एफ नॉट माइनस टी एफ आ जाएगा। ओके, ये हिमांक वर्णन से संबंधित सूत्र आपको समझ में आ गया हुआ। लेकिन ध्यान रखना, इसे क्वथनांक उन्नयन की तुलना कर लेना। क्वथनांक उन्नयन में क्या सूत्र होता था, क्वथनांक उन्नयन में ये होता था डेल्टा टी वी इक्वल टी वी माइनस टी वी नॉट। ठीक है, क्वथनांक उन्नयन में ये फॉर्मूला होता था, उसमें डेल्टा टी वी बराबर टी वी माइनस टी वी नॉट होता था, और इसमें जो टी वी है ये विलयन का मतलब क्वथनांक हुआ करता था। किसका, विलयन का क्वथनांक, और ये किसका होता था, विलायक का क्वथनांक हुआ करता था, विलायक का क्वथनांक। ठीक है, और ये क्वथनांक उन्नयन होता है, क्या होता है, क्वथनांक उन्नयन। तो इसमें आप ये कंपेयर करके चलेंगे कि क्वथनांक उन्नयन होता है, क्वथनांक में वृद्धि होती है, लेकिन हिमांक अवनमन हिमांक में कमी होती है। ओके, ध्यान रखना, विलायक की तुलना में किसी विलयन के लिए, किसी ठोस वाष्पशील विलयन के लिए क्वथनांक में तो वृद्धि होती है लेकिन हिमांक में कमी होती है। ओके, तो अंतर निकालेंगे तो ज्यादा में से कम को घटा देते हैं। ओके, तो वहां क्वथनांक उन्नयन में विलयन के क्वथनांक ज्यादा होता है, उसमें से विलायक के क्वथनांक को घटाते हैं। ओके, ध्यान रखना, लेकिन यहाँ हिमांक अवनमन में क्या होगा कि विलायक के हिमांक में से विलयन का हिमांक घटाते हैं, क्योंकि विलायक का हिमांक ज्यादा होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जल जमता है उसका हिमांक ज्यादा होता है, जबकि उसमें अगर ठोस वाष्पशील विलयी पदार्थ घोल दें जल में
तब जो जलीय विलयन बनेगा, नमक का घोल या शक्कर का घोल हो, उस विलयन का हिमांग 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कुछ कम ताप पर जम जाता है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कुछ कम ताप पर उसका वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। इसलिए उसका हिमांक विलयन का विलायक की तुलना में कम होता है। ऐसे प्रश्न बहुत सारे आते हैं बोर्ड में कि क्या कारण है कि ठोस अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन का हिमांक कम होता है जबकि क्वथनांक अधिक होता है। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं कि क्या कारण है किसी ठोस अवाष्पशील विलेयुक्त विलयन का हिमांक कम होता है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, सटीक आंसर रहेगा इसका जल विलायक की तुलना में 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ कम ताप पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ कम ताप पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कुछ कम ताप पर विलयन का वाष्प दाब उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये रीजन है, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कुछ कम ताप पर उसका जो वाष्प दाब है उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है। ठीक है, ये रीजन है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी कुछ कम ताप पर उस विलयन का जो वाष्प दाब है उसकी ठोस अवस्था के वाष्प दाब के बराबर हो जाता है, ये रीजन है। ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन कई बार कंपटीशन में बोर्ड एग्जाम में भी पूछा गया है। ओके, तो इससे हम आगे चलते हैं कि क्या हिमांक अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है। तो हेडिंग डालते हैं हिमांक अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म। इसको हम सिद्ध करते हैं कि हिमांक अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म है क्या। ठीक है, बिल्कुल उसे क्वथनांक उन्नयन की तरह सिद्ध करते हैं। हिमांक अवनमन एक अणुसंख्य गुणधर्म। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको सिद्ध करने के लिए हम एक चित्र को समझते हैं। इस चित्र में आप देखेंगे कि क्या बताया गया है, ये जो चित्र है वो वाष्प दाब वेपर प्रेशर एवं तापमान के मध्य खींचा गया है। ठीक है, जिसमें शुद्ध द्रव विलायक है उसके लिए यह आरेख आएगा, ये विलायक के लिए है, सॉल्वेंट के लिए। ठीक है, और अब इसमें कोई जो हम पदार्थ घोल रहे हैं, जैसे एक पात्र में शुद्ध द्रव विलायक ले लिया, दूसरे पात्र में शुद्ध द्रव विलायक में हमने क्या घोल दिया, नमक घोल दिया, तो नमक का घोल क्या होगा, विलयन। तो विलयन के लिए जो ग्राफ आएगा वो इस तरह से आएगा। ठीक है, इस तरह से, और ये जो ग्राफ आ रहा है ये बता रहा है कि ये धीरे धीरे जमता जाता है और जम करके क्या बन जाता है, ये विलयन बन जाता है। क्या बन जाता है, मतलब ठोस हो जाता है। और ये विलयन के लिए बताया गया है, तो विलयन के लिए इस तरह से ये यहाँ पर क्या हो रहा है, ये शीतलन हो रहा है। क्या हो रहा है, शीतलन, फ्रोजन हो रहा है। ओके, माना कि ये तो हो गया ए पॉइंट और ये हो गया बी और ये हो गया सी और ये हो गया डी पॉइंट और ये हो गया ई पॉइंट। ठीक है, अब आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो बी सी जो है वो शुद्ध द्रव विलायक का क्या है, वाष्प दाब है,
शुद्ध द्रव्यलाय का वाष्पदाब है, ठीक है, उस पर विलायक जो जल है वो जम जाता है और उस पर उसका हिमांक टीएफ नॉट होता है। क्या होता है? टीएफ नॉट, ठीक है। जब हम दूसरे द्रव्यलाय में कोई ठोस वाष्पीय विलेय पदार्थ घोल देते हैं तो विलयन बन जाता है, वो विलयन धीरे धीरे ई से डी पॉइंट तक जमता है और जम करके डी पॉइंट पर वह ठोस हो जाता है। तो आप देख रहे हैं कि उसका हिमांक क्या है, डाउन हो रहा है, कम हो रहा है। तो डी बिंदु पर वो विलयन जम गया, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि विलायक की तुलना में भी इस विलयन का हिमांक क्या हो गया, घट गया। माना कि उस ताप पर उसका हिमांक कितना है, टीएफ है, यानी यहाँ विलायक की तुलना में विलयन का हिमांक टीएफ और कम हो गया। क्या हो गया? विलायक की तुलना में विलयन का हिमांक क्या हो गया, कम हो गया। तो इस तरह से जो अंतर आएगा वो क्या होगा यहाँ, क्योंकि विलायक का हिमांक ज्यादा है और विलयन का हिमांक कम है, क्योंकि ये जीरो से ये दाई ओर जाएंगे तो तापमान बढ़ेगा, तो विलायक का हिमांक टीएफ नॉट उसकी तुलना में विलयन का हिमांक कम आ रहा है। तो विलायक के लिए ये ऊपर से नीचे की ओर लंब डाला गया और विलयन के लिए ये यहाँ से यहाँ तक जम गया, ये तो डी बिंदु पर विलयन जम गया तो इसका हिमांक और कम हो गया। तो विलयन का हिमांक डी बिंदु से लंब डालने पर टीएफ आया, ठीक है। तो इसका जो अंतर आया वो क्या होगा, डेल्टा टीएफ। वास्तव में डेल्टा टीएफ बराबर क्या होगा, ज्यादा में से कम को घटा देंगे, यानी टीएफ नॉट माइनस टीएफ। तो ये क्या आता है, हिमांक का वर्णन आता है। तो ये जो ग्राफ खींचा गया वाष्पदाब तथा ताप के मध्य खींचा गया, तो रियल में इस चित्र के अनुसार देखेंगे कि चित्रानुसार अकॉर्डिंग टू डायग्राम जो हिमांक अवनमन है डेल्टा टीएफ, वो हिमांक अवनमन वाष्पदाब अवनमन के क्या होगा, समानुपाती होगा। किसके समानुपाती होगा, डेल्टा पी के समानुपाती होगा। ये समीकरण हो गया एक, क्योंकि आप देख रहे हैं कि यहां पर जो वाष्पदाब विलायक के लिए और विलयन के लिए ये वाष्पदाब आएगा, क्या आएगा, विलयन के लिए इस तरह से वाष्पदाब आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो अंतर आएगा, इसमें जो अंतर आएगा वो वाष्पदाब का अवनमन होगा, इन दोनों में जो अंतर आएगा, ठीक है, और इन दोनों में जो अंतर आया वो हिमांक अवनमन होगा, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि ये हिमांक अवनमन वाष्पदाब अवनमन के क्या है, समानुपाती है। अब आप देख रहे हैं कि वाष्पदाब विलायक का जो था वो ज्यादा था और विलयन का वाष्पदाब क्या हो गया, कम हो गया, ठीक है। तो इस तरह से जो अंतर आया वो डेल्टा पी हो जाएगा, ये अंतर विलयन का वाष्पदाब क्या है, यहाँ कम है, विलयन का वाष्पदाब पीएस हो गया और विलायक का वाष्पदाब क्या, पी जीरो। तो पी जीरो की तुलना में पीएस ये कम है, तो इसमें जो अंतर आएगा वो वाष्पदाब अवनमन होगा। तो जो हिमांक अवनमन है वाष्पदाब अवनमन के क्या हो गया, समानुपाती हो गया, ठीक है। दूसरी बात, राउल्ट के नियम के अनुसार, राउल्ट के नियम से जो वाष्पदाब अवनमन है वो किस पर डिपेंड करता है, घोले गए विलेय की मोल भिन्न पर डिपेंड करता है। घोले गए विलेय की मोल भिन्न वो हो गई एक्स बी, क्योंकि बी हमेशा विलेय होते हैं और ए विलायक, ठीक है, उसके समानुपाती होता है। तो इस मान को समीकरण एक में रखने पर अतः डेल्टा टी एफ समानुपाती क्या हो जाएगा, यहाँ डेल्टा पी की जगह पर एक्स बी हो जाएगा, ठीक है। तो डेल्टा टी एफ बराबर के एक्स बी, ये हो जाएगा समीकरण तीन। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है, तो यहां पर इस तरह से इसका मान आ जाएगा। अब बात करते हैं कि इससे आगे इसका वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि एक्स बी बराबर यानी विलेय की मोल भिन्न मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट विलेय के मोल बटे विलेय के मोल प्लस विलायक के मोल, ठीक है। क्योंकि तनु विलयन के लिए एन वी इज मच लेस देन एन ए, यानी विलेय के जो मोल हैं वो विलायक के मोल की तुलना में बहुत कम होते हैं। तो इस समीकरण चार के हर में एन बी प्लस एन ए इज अप्रोक्सीमेटली टू एन ए कर देंगे, क्या कर देंगे, एन ए। ओके, तो इस तरह से एक्स बी का मान कितना आ जाएगा, एक्स बी का मान
यहां पर ये आ जाएगा एक्स बी का मान, एक्स बी बराबर एन बी अपॉन एन ए हो जाएगा, ठीक है ओके। क्योंकि एन बी क्या है, यहां विलेय की मोल, विलेय की मोल बराबर विलेय की मात्रा बटे विलेय का अणुभार, और एन ए क्या है विलायक के मोल, तो विलायक के मोल क्या हो जाएंगे विलायक की मात्रा बटे विलायक का अणुभार, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स बी ओके। अब एक्स बी को सॉल्व कर लेंगे तो एक्स बी बराबर डब्लू बी अपॉन एम बी, ठीक है, गुणा एम ए ऊपर पहुंच जाएगा एम ए अपॉन डब्लू ए, ये हो जाएगा इक्वेशन फाइव। इस इक्वेशन फाइव का जो मान है वो हम समीकरण तीन में रख देंगे, किसमें रख देंगे समीकरण पांच का मान समीकरण तीन में रखने पर, ठीक है ओके। इक्वेशन फाइव वैल्यू पुट इन इक्वेशन थ्री, नाउ वी गेट डेल्टा टी एफ इक्वल के इंटू एक्स बी का वैल्यू कितना हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए ओके। तो इसको फिर सरल रूप से लिख लेंगे, डेल्टा टी एफ इक्वल के इंटू एम ए इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए। ये डब्ल्यू ए किस में हुआ, किलोग्राम में हुआ, ठीक है, ये डब्ल्यू ए विलायक की मात्रा है वो किलोग्राम में होगी ओके। तो ये जो सूत्र आ जाएगा डेल्टा टी एफ बराबर, ये जो सूत्र आ रहा है इस सूत्र से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो के इंटू एम ए है वो क्या कहलाएगा, वो किसके तुल्य हो जाएगा, ये आप इतना समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो फिर इससे आगे डेरिवेशन करते हैं हम, इसको आगे फिर ऐसे लिख लेंगे, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू डब्ल्यू ए किलोग्राम में, ठीक है। आप देख रहे हैं कि यहां पर ये समीकरण आ जाएगा छ ओके। यहां के एफ बराबर क्या हुआ था, के इंटू एम ए, ठीक है, यहां के एफ एक समानुपातिक स्थिरांक है, समानुपातिक स्थिरांक है जिसे, ये प्रोपोर्शनली कांस्टेंट है जिसे क्या कहते हैं, मूलल अवनमन स्थिरांक, मूलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मूलल अवनमन स्थिरांक, मूलल डिप्रेशन कांस्टेंट, या इसको हिमांक अवनमन स्थिरांक भी कहते हैं, हिमांक अवनमन स्थिरांक, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, और इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। तो ये जो के एफ है ये आया ओके। तो समीकरण छह से हम डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू स्मॉल एम ये लिख सकते हैं ओके। तो यहां पर ये आ जाएगा समीकरण सात ओके। आप देख रहे हैं कि समीकरण छह और सात में जो हिमांक अवनमन का मान है वो किस पर निर्भर कर रहा है, घोले गए विलेय की मात्रा पर निर्भर कर रहा है और मूललता पर निर्भर कर रहा है। अतः हिमांक अवनमन एक अणुसंघ गुणधर्म है। अतः समीकरण छह व सात से स्पष्ट है कि हिमांक अवनमन अवनमन हिमांक अवनमन डेल्टा टी एफ हिमांक अवनमन डेल्टा टी एफ घोले गए विलेय की मात्रा घोले गए विलेय की मात्रा डब्ल्यू बी पर निर्भर करता है, ठीक है, और मूललता पर भी निर्भर करता है, स्मॉल एम पर निर्भर करता है। अतः
यह एक अणुसंघ के गुणधर्म है। क्या है? यह एक अणुसंघ गुणधर्म है। तो ये सिद्ध हो गया कि वास्तव में हिमांक बनवन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। क्या है? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। ओके, तो ये आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब हिमांक बनवन तथा अणुभार में जो संबंध का सूत्र आएगा वो क्या आएगा? हिमांक बनवन व अणुभार में संबंध डेल्टा टी एफ व ब्ले के अणुभार एम बी में संबंध रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन एंड मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो अभी मैंने बताया था डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू ब्ले की मात्रा डब्ल्यू बी अपॉन ब्ले का अणुभार इंटू ब्लैक का भार किलोग्राम में, ये सूत्र आएगा। तो इससे एम बी निकालेंगे हम, तो एम बी बराबर क्या आएगा, ये इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे तो के एफ इंटू डब्ल्यू बी ऊपर रह जाएगा और नीचे डेल्टा टी एफ आ जाएगा और डब्ल्यू ए किलोग्राम में आ जाएगा। ये जो सूत्र है, इस सूत्र से हम ब्ले का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं। क्या ज्ञात कर सकते हैं? ब्ले का अणुभार ज्ञात कर सकते हैं, मोलर मास भी निकाल सकते हैं। अणुभार को क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान। ठीक है, ये आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इससे आगे हम चलते हैं, एक न्यूमेरिकल देते हैं, उस न्यूमेरिकल को नोट कर लीजिए, वो बोर्ड एग्जाम में आने योग्य है। 25.6 ग्राम सल्फर को 1 किलोग्राम नेफ्थलीन में घोलने पर हिमांक में अवनमन 0.68 केल्विन पाया गया। सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात कीजिए। नेफ्थलीन के लिए के एफ बराबर 6.8 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। ये सवाल है 25.6 ग्राम, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। इस साल इसके आने के चांसेस हैं 2021 में बोर्ड एग्जाम में। 25.6 ग्राम सल्फर को 1000 ग्राम को क्या कहते हैं? 1 किलोग्राम। ठीक है, या 1 किलोग्राम नेफ्थलीन में घोलने पर हिमांक का वनवन फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 0.68 केल्विन पाया गया। तो घोले गए सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात करो। घोले गए सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात करो नेफ्थलीन के लिए के एफ बराबर 6.8 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। ठीक है, नेफ्थलीन के के एफ बराबर कितना है? 6.8 केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात करने के लिए सल्फर का अणुभार ज्ञात करना पड़ेगा। ठीक है, इसके लिए हिमांक बनवन का जो सूत्र है वो लगाना पड़ेगा, डेल्टा टी एफ बराबर के एफ इंटू ब्ले की मात्रा बटे ब्ले का अणुभार गुणा विलायक का भार किलोग्राम में। ठीक है, तो प्रश्नानुसार क्या क्या दे रखा है? प्रश्नानुसार के एफ का मान को ये दे रखा है, डब्ल्यू बी जो मात्रा है ब्ले की वो 25.6 ग्राम दे रखी है। ठीक है, और उसका हमें अणुभार निकालना पड़ेगा, ये हमें निकालना पड़ेगा, भूले गए ब्ले का अणुभार निकालना पड़ेगा, और विलायक की जो मात्रा है वो किलोग्राम में 1 किलोग्राम दे रखी है। ठीक है, और हिमांक का वनवन डेल्टा टी एफ बराबर कितना दे रखा है? 0.68 केल्विन दे रखा है। ठीक है, इन सब के मान रख देंगे तो पहले हमें ब्ले का अणुभार निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ 0.68 केल्विन हो गया, के एफ का मान 6.8 केल्विन किलोग्राम
मोल इनवर्स हो गया गुणा यहाँ विलेय की मात्रा 25.6 ग्राम हो गई और ये एम वी आपको निकालना पड़ेगा पहले और डब्ल्यू ए यहाँ 1 किलोग्राम हो गया। ठीक है, तो किलोग्राम से किलोग्राम कट गया ये और केल्विन से केल्विन कट गया। ओके, और ये एम वी बचा, क्या बचा, तो एम वी बराबर क्या निकालेंगे, विलेय का आविर्भार, जो विलेय है सल्फर का अणु भार निकलेगा, तो सल्फर अणु का अणु भार निकलेगा ये, तो सल्फर अणु का अणु भार कैसे निकालेंगे, देखो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे ऐसे। ठीक है, तो ऊपर वाला वैल्यू ऊपर रहेगा 6.8 इंटू 25.6 ये ग्राम प्रति मोल आ जाएगा, ग्राम प्रति मोल, यूनिट भी साथ ही साथ निकाल दे जाए, ग्राम ये रह गया और मोल इनवर्स ये रह गया, किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, केल्विन से केल्विन कट गया और इसका इससे गुणा हो जाएगा तो 0.68 नीचे आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं 0.2 नीचे है, 0.2 ही ऊपर है, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, ये 68 इससे कट जाएंगे, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गए सभी। ओके, तो ये आ जाएगा 256 ग्राम प्रति मोल, यानी सल्फर का यहाँ अणु भार कितना है, 256 ग्राम प्रति मोल आ गया सल्फर का अणु भार। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि सल्फर का अणु भार कितना आ गया यहाँ, 256। ओके, और सल्फर अणु का है ये, क्या किसका है, सल्फर अणु का अणु भार कितना है यहाँ, 256 ग्राम प्रति मोल, और सल्फर परमाणु का परमाणु भार कितना होगा, सल्फर परमाणु का परमाणु भार, सल्फर परमाणु का परमाणु भार निकालेंगे तो क्या आएगा, एक सल्फर का परमाणु क्रमांक कितना होता है 16 और उसका परमाणु भार कितना होता है 32, तो सल्फर परमाणु का परमाणु भार आ जाएगा 32। ठीक है, अब आपको देखेंगे कि सल्फर अणु में परमाणुओं की संख्या निकालेंगे, तो सल्फर अणु में परमाणुओं की संख्या, परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए इसके अणु भार में परमाणु भार का भाग दे देंगे, क्या कर देंगे, अणु भार में परमाणु भार का भाग दे देंगे, तो अणु भार 256 परमाणु भार 32, तो इसमें 8 आ जाएंगे परमाणु, 32 का 256 भाग दे देंगे तो कितने आ जाएंगे परमाणु, 8। तो वास्तव में सल्फर का फिर सूत्र क्या हो जाएगा, अतः सल्फर अणु का सूत्र क्या हो जाएगा, S8 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, S के सफिक्स में 8, यानी सल्फर का अणु सूत्र क्या हो जाएगा, S8 हो जाएगा, क्योंकि एक सल्फर अणु का जो अणु भार आया वो 256 आया और एक सल्फर परमाणु का कितना होता है परमाणु भार 32, तो फिर सल्फर अणु में परमाणु की संख्या हम ऐसे निकालेंगे, अणु भार में परमाणु भार का भाग दे देंगे, 256/32 बराबर 8, तो सल्फर अणु का अर्धसूत्र क्या आ जाएगा, S8 आ जाएगा। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा वीडियो। ओके, यहाँ तक अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कमेंट्स सब्सक्राइबर और शेयर जरूर करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो उसको मुझे शेयर करके बताएँ।